मधुबनी में संचालित गुरुकुल स्कूल में कृमिनाशन देव महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान राजद के स्थानीय विधायक भी शामिल हुए। बता दें कि बेनीपट्टी के जरैल गांव में संचालित इस स्कूल में वेदों की मुफ्त पढ़ाई होती है। स्कूल का अपना गौशाला भी है। आपदा पीड़ित मधुबनी कहीं न कहीं कोरोना से है, बाढ़ से है, सुखाड़ से है। हम चाहेंगे कि मधुबनी का कल्याण हो, मधुबनी के एक एक व्यक्ति का कल्याण हो। हम उसी के लिए आज आए हैं, हवन किए हैं और सभी के साथ बैठे हैं कि कहीं न कहीं आज की इस विपत्ति काल से हम कैसे निकले। हम ऊपर वाले पर ही हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो दोनों हाथ ऊपर उठा लिया है। सरकार के भरोसे रहना बड़ा मुश्किल है। हर एक व्यक्ति अपना डॉक्टर अपने बन रहा है, और जो उसको कहीं ना कहीं जड़ी बूटी जो खाने से अपना बच रहा है, खान पान रहन सहन के आधार पे, सोशल डिस्टेंस और सभी चीजों के आधार पे जो बच रहा है, अन्यथा कौन सा वायरस हवा में है कि कहाँ है, कैसे लोग मतलब परेशान है कि जब कोरोना होता है और मृत्यु होने के बाद भी उसके परिवार समाज उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये कौन सा बीमारी है, ये कौन सा सोशल जस्टिस है, मेरे समझ से बाहर की चीज है। उसी के लिए हम यहाँ आए हैं कि उनके कल्याणार्थ हम यहाँ पे आकर के अपने जरेल गांव में अपने गुरु के साथ अपने बच्चों के साथ में हवन करें और कम से कम मधुबनी का कल्याण हो, यही उम्मीद है।